हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से देश विदेश में बसी संगत के लिए श्री हेमकुंट साहिब जी के कपाट 22 मई को खोले जा रहे हैं, जिसके चलते हर वर्ष की तरह भारतीय फौज के 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आरएस पुंडीर के दिशा निर्देशों पर सूबेदार मेजर नेकचंद द्वारा अपनी टुकड़ी के साथ श्री हेमकुंट साहब तक रेकी करने के बाद रिपोर्ट गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट को पेश की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वर्ष 5 से 6 फीट तक बर्फ पड़ी है, जिसके चलते आज भारतीय जवानों की एक टुकड़ी गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट पहुंची है। सूबेदार जगसीर सिंह और हवलदार मलकीत सिंह की कमांड अनुसार श्री हेमकुंट साहिब जी के रास्तों में आने वाले ग्लेशियर हटाकर रास्तों को साफ करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। ये सेवा पिछले कई सालों से भारतीय सेना निभाती आ रही है। इस मौके पर गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने सभी जवानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के बाद धन्यवाद किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के चमोली जिले के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि संगत के लिए यात्रा सुखद बनाने के लिए सभी विभागों की तरफ से कार्य शुरू कर दिए गए हैं। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी दी बहुत ही अपार कृपा हुई है जो साडी टीम नूं मौका मिलिया, मैनूं मौका मिलिया, सारे साडे जवानां नूं मौका मिलिया। बहुत ही उत्साह इहनां च जनून है और इहनां दे दिलां च बहुत ही मतलब श्रद्धा है कि सानूं मौका मिलिया हेमकुंट साहिब दा रस्ता खोलण वास्ते। असीं पूरे जोश नाल जा रहे हां इत्थों वाहेगुरू जी अरदास करके चाहे हुक्मनामा लै के सच्चे पातशाह दा, और पूरे जोश नाल असीं गुरद्वारा हेमकुंट साहिब ते आपां 4 दिन कलाइमेंट करांगे गुरु धाम ते। उहदे तों बाद च उप्पर आपां पहला ग्लेशियर खोलांगे ते फिर बाद च आपां जिहड़ा रोड है पूरा रस्ता वाहिगुरु खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 22 मई 2022 को श्री हेमकुंट साहिब की यात्रा ऐतवार वाले दिन इस साल शुरू होने जा रही है। आर्मी के जवान गोविंदगढ़ से रवाना होने की तैयारी में हैं और उनके पूरा उनमें जुनून है, सेवा का भाव है, और हमें कमांडर साहब ने भी ये बड़ा आश्वासन दिया है कि भले यात्रा 22 मई को खुलेगी, लेकिन हम कम से कम भी 10 दिन पहले श्री हेमकुंट साहब का ट्रैक है जो बिल्कुल खोल देंगे और संतों के आने के जाने आने जाने के लिए इसको तैयार कर देंगे, तैयार कर देंगे। हम आशा करते हैं आज अभी पहले सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ मतमस्तक हुए हैं, अरदास की है, नंद साहब की 5 कौड़ियों का पाठ हुआ है। उसके बाद जवानों ने पूरे जोर से जयकारों के जरिए गोविंद धाम के लिए रवाना होने की तैयारी की है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने भारतीय सेना और अपने दल के निरीक्षण के पश्चात उत्तराखंड प्रशासन से विचार विमर्श करके निर्णय लिया है कि इस वर्ष श्री हेमकुंट साहब जी के कपाट 22 मई दिन रविवार को प्रातः 10:30 बजे खोल दिए जाएंगे। यात्रियों की सुविधाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा अपनी सभी धर्मशालाओं में रखरखाव का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। भारतीय सेना दूसरे सप्ताह में अप्रैल के अपना बर्फ कटान का कार्य प्रारंभ कर देगी। स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं गुरुद्वारा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी व सेवादार श्री हेमकुंट साहब यात्रा को सुगम बनाने के हेतु पूर्ण रूप से तत्पर।